नमस्कार, आज हम यहाँ पर जानेंगे एमनियोटॉमी के बारे में। एमनियोटॉमी क्या होती है? तो एमनियोटॉमी होती है कि जो प्रेग्नेंट मदर होता है उसके यूट्रस के अंदर फीटस रहता है, तो फीटस चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिसको कि कहते हैं हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूड, जो कि इसकी क्या करता है, इसको सुरक्षित रखता है बच्चे को, फीटस को। तो एमनियोटॉमी क्या है कि इस आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है एमनियोटिक, उसको रप्चर करना आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से। तो ये इसलिए किया जाता है जिससे कि लेबर, जो डिलीवरी का टाइम है उसको कम किया जाए, मतलब कि लेबर को इंड्यूस किया जाए, उसको एक्सेलरेट किया जाए लेबर को। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं AROM, ऑल्सो नॉन एज एमनियोटॉमी, इज प्री परफॉर्म बाई मिड वाइफ और ऑब्स्टेट्रिशियन, या तो ऑब्स्टेट्रिशियन है और या मिड वाइफ है, उसके द्वारा ये करा जाता है। द मेम्ब्रेन कैन बी रप्चर्ड यूजिंग ए स्पेशलाइज टूल। जो रप्चर की जाती है मेम्ब्रेन, वो एक स्पेशलाइज टूल से की जाती है, जिसको एमनी हुक या एमनी कॉट कहते हैं। और दे कैन बी रप्चर बाय द प्रोसीजरलिस्ट फिंगर, जो प्रोसीजर कर रहा है उसकी फिंगर से भी कई बार उसको रप्चर कर देता है। द एम ऑफ एमनियोटॉमी इज टू स्पीड अप एंड स्ट्रेंथन कॉन्ट्रेक्शन एंड दस शॉर्टन द लेंथ ऑफ लेबर, जो लेबर के दौरान कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करना और उनको मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना, जिससे कि लेबर की लेंथ क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। और टू इंड्यूस और एसेलरेट लेबर, या फिर लेबर को बढ़ावा देने के लिए, एसेलरेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए एमनियोटॉमी की जाती है। तो आज का हमारा मेडिकल टर्म था एमनियोटॉमी, आज इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।